Assalamu alaikum everyone, I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about MDCAT syllabus 2020. जैसा कि आपको मालूम है FSC में केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं, एक जो हम पार्ट वन में पढ़ते हैं जिसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और एक पार्ट टू में जिसका हाफ हिस्सा इनऑर्गेनिक और दूसरा हाफ हिस्सा इसका ऑर्गेनिक पर मुश्तमिल है। हम जो आज सिलेबस स्टडी करने जा रहे हैं वो है पार्ट वन का, जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि एंट्री टेस्ट में उन्होंने पूरी बुक को याद करना है, जबकि पूरी बुक को याद करना किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन है। अगर हम फर्स्ट ईयर का अंदाज़ा लगाएं तो उसके 11 चैप्टर हैं, सेकंड ईयर के 16 चैप्टर हैं, अगर दोनों को कंबाइन करें तो 27 चैप्टर्स बनते हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ही दफ़ा याद करना और उनका इकट्ठा पेपर देना, और वो भी कंसेप्चुअल पेपर देना, इंतहाई मुश्किल है। लिहाजा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने चंद एक चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में से भी चंद एक टॉपिक्स हैं कि जिनमें से एंट्री टेस्ट लिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन करें तो हमें पूरी बुक पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स पूरी बुक पर टाइम ज़ाया करने के बजाय इन टॉपिक्स पर तवज्जो देते हैं वो MDCAT में बिलाशुबा अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। अगर हम पार्ट वन केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 8 टॉपिक हैं, और इन 8 टॉपिक में दो दो चैप्टर में से चंद एक कंसेप्ट लिए गए हैं। जैसा कि टॉपिक नंबर 1, इसको नाम दिया गया है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसमें दो चैप्टर इंक्लूड हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है। इसमें से रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इंक्लूड है। इसके अलावा इसमें कोई भी टॉपिक आपने नहीं करना। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े अहम समझे जाते हैं लाइक लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन हमें उसकी अहमियत देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये चेक करना है क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एंट्री टेस्ट MDCAT के सिलेबस में वो है या नहीं है। लिहाजा इसके अलावा हमने कोई भी टॉपिक नहीं करना। अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 9 भी इंक्लूड है, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट शामिल हैं लाइक कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 1 परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, जिसमें दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट शामिल हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जिसमें है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे ज़हन में गैस, लिक्विड और सॉलिड आते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर इंक्लूड है वो है गैसेस। गैसेस एक बड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हमें सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें से सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन करने का मकसद कि जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हुए हम बॉयज़ लॉ को भी यूज़ करते हैं, चार्ल्स लॉ को भी यूज़ करते हैं, एवोगैड्रो के लॉ को भी यूज़ करते हैं, लिहाजा इन तमाम लॉज को भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा जो चैप्टर इसमें इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसमें से जो कंसेप्ट शामिल हैं उनमें इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये चंद एक कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि देखा गया कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4
दोनों ही फर्स्ट ईयर के लेंथी चैप्टर कंसीडर होते हैं, आपको ये सारे के सारे चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चैप्टर्स को मुकम्मल स्टडी कर रहे हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, ये कॉन्सेप्ट करने हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो पहला चैप्टर इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 5, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर। अब बात यह है कि आपको सिर्फ पांचवें चैप्टर में से ये कंसेप्ट करने हैं कि जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मुतालिक जो क्वेश्चन है, बाकी रदरफोर्ड, बोहर वो कंसेप्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम उन पर ज़ाया बिल्कुल ना करें। टॉपिक नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में से भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, लाइक शेप ऑफ SPD ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन तमाम टॉपिक को आपने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है कि कोई भी पॉइंट मिस ना होना पाए। अगर इन सिलेक्टिव टॉपिक में से भी आप मुकम्मल तौर पर अपने क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, इन पर अच्छे से पकड़ हासिल नहीं कर सकते, तो इट मीन आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप एंट्री टेस्ट में कामयाब नहीं होगे। तमाम कॉन्सेप्ट इंतहाई अहम है। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की, तो इसमें भी दो चैप्टर हैं, लाइक चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, इसमें से आपने करना है आयोनिक बॉन्ड, यूज ऑफ डॉट एंड क्रॉस मॉडल फॉर कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड पोलैरिटी। और दूसरा जो चैप्टर इसमें इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड्स, जिसमें आपने स्टडी करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, इंटरप्रिटेट एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अगर इस पोर्शन पे हम गौर करें तो इसमें इंतहाई अहम पोर्शन इंक्लूड है, जिसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के मुतालिक सवाल है। ये इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और अगर लिक्विड वाले पोर्शन में आए तो इसमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जोर दिया गया है। लिहाजा इंटर और इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेज ये भी एंट्री टेस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके साथ ही हमारे 4 टॉपिक तो हो गए मुकम्मल। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक। इसमें एक चैप्टर इंक्लूड है चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यूज ऑफ टर्म्स सच एज नंबर 1 एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 बॉन्ड एनर्जी, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी हैज लेड टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल। टॉपिक नंबर 6 की बात करें तो इसमें इंक्लूड है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपने रेडॉक्स प्रोसेसेस करने हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रेडॉक्स पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेथड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंस्ट्रक्ट रेडॉक्स इक्वेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। ये वाला हिस्सा इंतहाई अहम है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स पोटेंशियल। लिहाजा अगर आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को और शी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अच्छे से समझ लेते हो तो बकाया कंसेप्ट भी आपको समझना आसान हो गए। अगर बैटरीज की बात करें तो इसमें सिर्फ फ्यूल सेल पे गौर किया गया। टॉपिक नंबर 7, केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक 7 में हमारा जो चैप्टर इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 8, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे आसान चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 में इंक्लूड है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा ली शैटलेयर प्रिंसिपल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अलावा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, कंडीशन यूज्ड इन हैबर प्रोसेसेस, कंडीशन यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, क्वालिटेटिवली द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्वालिटेटिवली द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड बेस, टर्म पी एच, के ए, पी के ए, पी के बी, के डब्ल्यू, के एस पी, पी एच एंड पी ओ एच वैल्यू यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। अगर इस पोर्शन पर हम गौर करें तो इसमें हमें जितने भी क्वेश्चन नज़र आते हैं वो या तो केमिकल इक्विलिब्रियम के मुतालिक हैं या एसिड और बेस और उनकी आयनाइजेशन के मुतालिक हैं। टॉपिक नंबर 8, रिएक्शन एंड केमिकल काइनेटिक। इसमें इंक्लूड है चैप्टर नंबर 11, रिएक्शन काइनेटिक्स। और रिएक्शन काइनेटिक्स में से हमने करना है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, कोलिजन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंस्ट्रक्ट एंड यूज रेट इक्वेशन, स्पेशली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेम ए सुटेबल मेथड फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अगर इस सारे सिलेबस पे गौर करें तो ये फर्स्ट ईयर की बुक से है जिसमें हमारे पास 8 टॉपिक हैं। मैं इन सब को आपके लिए एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से हमारे पास चंद एक टॉपिक हैं, हमें पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप, मोल, एवोगैड्रो नंबर, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में से एक एमसीक्यूज हर हाल में आता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आपको नंबर ऑफ मोल गिवन होते हैं या मास गिवन होता है, कहा जाता है कि दूसरी तरफ के नंबर ऑफ मोल या मास मालूम करें।
चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें मोलैरिटी की कैलकुलेशन लाजमी आती है, मोल फ्रैक्शन में से एक एमसीक्यूज आता है। स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करें तो गैसेस के में से आपको पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल गैस इक्वेशन आपने लाजमी करनी है, और इसमें से भी जनरल गैस कॉन्स्टेंट जो है आर, उसकी वैल्यू के मुतालिक उसके यूनिट आपने लाजमी करने हैं। लिक्विड में से अगर देखा जाए तो इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये चंद एक टॉपिक हैं। अगर सिलेबस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड चार्ज, ये टॉपिक करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो ऑर्बिटल्स की शेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से सवाल आएगा लाजमी, आयनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने लाजमी याद करनी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव होना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें आयनिक कोवलेंट बॉन्ड के मुतालिक क्वेश्चन है, और कोआर्डिनेट बॉन्डिंग के मुतालिक यूज़ ऑफ डॉट एंड क्रॉस मॉडल, ये लिविस स्ट्रक्चर मॉडल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिक्विड में से इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, केमिकल एनर्जेटिक्स में से बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में से जो हेस्ला और इसके अलावा बोन हैबर साइकिल है, लैटिस एनर्जी, ये आपने लाजमी करने हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर टॉपिक नंबर 6 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें रेडॉक्स प्रोसेसेस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काउंट होगी। इसके अलावा इनके सेल के पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फ्यूल सेल के मुतालिक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 7 की तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से कुछ क्वेश्चन है, लाइक हम बात करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ली शैटलर प्रिंसिपल में इफेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हम हीट बढ़ाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा जा सकता है, उसके यूनिट कैलकुलेट करवाए जा सकते हैं। हैबर प्रोसेस की कंडीशन है, इसमें टेम्परेचर पूछा जा सकता है, कैटलिस्ट पूछा जा सकता है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में भी बड़ी अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस और इनके आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो हैं उनके मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें रिएक्शन काइनेटिक की तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट, ये सारे रिएक्शन है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ में से क्वेश्चन आता है। अगर इस सारे पे देखें तो फर्स्ट ईयर की बुक एक बड़ी लेंथी बुक है, लेकिन हमने पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इन सिलेक्टिव टॉपिक का एक चार्ट बना लें और रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 5 टॉपिक करें और उनको टिक करते जाएं, तो थोड़े से ही अरसे में हम इस पूरी बुक को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं आउटलाइन के मुतालिक आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई लेक्चर भी प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आप घर बैठे अपनी अच्छी तैयारी कर सकें और एंट्री टेस्ट में कामयाब हो सकें। अगर आपको इससे मुतालिक मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मज़ीद इसके बारे में अगर कोई डिटेल मेरे पास आती है, अपडेट आती है, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लाजमी दे दूंगा। सी यू टुमारो विद अनदर लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।